अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एबीएस है, ये देखो आप देख सकते हैं एबीएस का लाइट है यहाँ पे, ये ब्लिंक हो रहा है। इसके रिलेटेड आपको मालूम है, एबीएस का लाइट ब्लिंक होता है तो थोड़ा पैडल है जो ब्रेक पैडल तो वाइब्रेट करता है, मतलब तो शटरिंग करता है। और ये हिसाब से क्या करने वाला हूँ, मैं अभी डायग्नोस करने वाला हूँ। ये देखो मैं आर्टिका में गया हूँ, अभी चेक कर दो मैं इस पर किसके रिलेटेड फॉल्ट आ रहे, चेक करते हैं। देखो व्हील स्पीड सेंसर सिग्नल फेल रियर लेफ्ट इरेज डीटीसी, पहला चेक करते हैं इरेज होता है कि नहीं, इरेज फेल रियर फॉल्ट एक्टिव में। सो देखना पड़ेगा मेरे को पहला क्या रीजन से हो रहा है इसमें, क्योंकि इरेज नहीं हो रहा है डीटीसी वो हिसाब से। देखो वायरिंग का फॉल्ट रहेगा या फिर सेंसर इंटरनली डैमेज रहेगा, दोनों में से एक है उसका। रुको अभी मैं इसका पैरामीटर डेटा, ये देखो अभी चला दो, चला के बता दो, चलेगा जब ना गाड़ी, वैल्यू बढ़ना चाहिए। आई थिंक रियर लेफ्ट का नहीं बढ़ना वाला क्योंकि फॉल्ट एक्टिव में ओपन सर्किट है। एनीवेज चला दे अभी मालूम पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं ये कनेक्ट कर दिया, अभी मैं ट्रायल पे निकलूंगा, ट्रायल में शॉर्ट ट्रायल लेगा, आगे पीछे लेगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख लिए रिवर्स लेते समय भी रियर लेफ्ट का काम नहीं कर रहा, ये देखो। ये देखो बाकी सबका डेटा भर रहा है बट रियर लेफ्ट का काम नहीं कर रहा है। ये देखो इन शॉर्ट अपने को अभी पहला चेक करना पड़ेगा वायरिंग अदरवाइज सेंसर का फेलियर है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसका एबीएस सेंसर है, ये यहाँ पे लगता है, आप देख सकते हैं ये पोजीशन में लगता है इधर, ये देखो ये पोजीशन में ऐसा लगता है, और 10 नंबर का बोल्ट है खोलना होता है। ये पहला वायर निकालता हूँ मैं, पहले देखता हूँ कि इधर इंटरनली डैमेज है कि नहीं, जो कि नहीं दिख रहा अभी। और सेकेंड थिंग, और इसका ये आप देख सकते हैं ये फेंडर लाइनिंग है, क्लिप खोल दिया, और अंदर इसका ये देखो ये इसका कनेक्टर है, मतलब कपलर है। कपलर को रिमूव करूँगा और पहला तो इसका वोल्टेज चेक करूँगा मैं कितना वोल्ट आ रहा है। इसका कपलर है, पहला तो मैं इसका कपलर का वोल्टेज है उसको रीड करूँगा। आप देख सकते हैं मैं ये पतला सा पिन लगा लूँ, क्योंकि मल्टीमीटर का जो पिन है वो अंदर घुसने वाला नहीं है, तो अभी मैं मल्टीमीटर पे 20 वोल्ट सेट करूंगा। ये स्विच ऑन है ना, अब स्विच ऑन कर, आप देख सकते हैं स्विच ऑन किया हुआ है और गाड़ी स्टार्ट भी किया हुआ है। मैं देखो अभी आपको बता दो कितना वोल्टेज रीड करता है, ये देखो 2.4। अभी कभी स्विच ऑन रहेगा तो 2.2 आएगा, 2.1 आएगा, मतलब स्विच ऑन में इनिशियल वोल्टेज इतना आता ही है उसका, कभी 1.90 आएगा, उतना रहता है, मतलब डिपेंड, अगर बैटरी थोड़ा वीक रहेगा तो उस हिसाब से वोल्टेज भी कम आएगा, आप देख सकते हैं। और जैसा इसका जो सिग्नल है, मतलब एबीएस सेंसर का आपको मालूम ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है सेंसर, और सेंसर जब पल्स बनाने के बाद इसमें से ये पल्स जाएगा और इसका जो एबीएस मोटर है उसको एक्टिवेट करता है, वो हिसाब से अपने को व्हील का जो स्पीड है स्पीड मालूम पड़ता है। देखो आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज तो प्रॉपरली आ रहा है, अभी सेंसर रिप्लेस कर दूंगा, सेंसर रिप्लेस कर दे अपना काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैं एबीएस सेंसर मंगाया हुआ है, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं अभी,
नहीं, वो पूरा ऐसा रैप करके आया हो। ये देखो, आप देख सकते हैं, आपको बताया मैंने इसका सेंसर का इशू था। ये देखो हल्का सा ग्रीस लगेला है, क्योंकि एकदम कंपनी से ही लग के आता है, लुब्रिकेंट है, इजीली जाना चाहिए बोल के, और कुछ नहीं है इसमें। और ये लगा दूंगा अभी मैं एकदम प्रॉपरली, सो अपना प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं सेंसर एकदम प्रॉपरली लगा दिया हूँ मैं। ये देखो जस्ट इजी है, ऐसा जो दिया था लाइन, वो लाइन से आते आते इस पे मैं लगा दिया। देखो आप देख सकते हैं, सो है एकदम परफेक्ट, कुछ है नहीं। और इसका ये फेंडर का, फेंडर लाइनिंग का लॉक लगा दूंगा, उसका टायर लगा दूंगा और DTC इरेज कर दूंगा मैं, सो डैट अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं मैंने DTC इरेज कर दिया। ये देखो पहले क्या इरेज नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉल्ट एक्टिव में जो इसका वायर था, वायर इंटरनली बेंड विंड हुआ रहेगा, टूट विंड गया रहेगा, वो हिसाब से सिग्नल प्रॉपरली नहीं जा रहा था उसका, और फॉल्ट का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा था। तो अपन ने सब कर दिया है, तो अभी का अभी इसका ट्रायल पे जाएंगे। पहले आप देखे रहेंगे रियर लेफ्ट का काम नहीं कर रहा था, सो अभी क्या काम करने लग जाएगा, क्योंकि देखो अभी देख सकते हैं ABS का लाइट इरेज हो गया, सो विच मीन अभी काम करना ही है उसको। तो अभी ट्रायल पे जाएंगे,